मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अभी बच्चों के सुबह के 9 और अभी बस अभी थोड़ी देर पहले उठे थे और मम्मी की तबीयत हो गई है सुबह उठते साथ ख़राब। ये देखो मैंने सारी दवाइयाँ रख रखी, अब दवाइयाँ दी है मम्मी को और अब मम्मी लेटी है, अब चाय बनाती हूँ मम्मी के लिए और ब्रेड सेक के देती हूँ। इधर मौसम है ना इतना सुहाना हो रहा है, इतना सुहाना क्या बताऊँ, बारिश का मौसम हो रहा है, एक एक दो दो बूंद पड़ रही है। और जल्दी से मैंने लिया है ब्लॉक क्योंकि मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, जल्दी से ये लिया है। खून गति खून पी लिया, गाने तो बंद ही नहीं हो रही, रात को 9 बजे गाने बंद होते इधर। और इधर तो नो थोड़ा सा अपना क्या हो गया, ब्रेड खा रही है, मैं भी ब्रेड खा रही हूँ। बेटा मैं जल्दी से ले आती हूँ ब्लॉग, ले लो ना तो ब्लॉग तो शाम तक नहीं लिया जाएगा। और मौसम भी दिखा देती, देख लो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। झाड़ू तो मैं निकालने लग रही रे, झाड़ू होगी पोछा तुम्हारे अंदर। अब पोछा मार दियो, मैं झाड़ू निकाल दूँ, पहले किचन साफ और कर देती हूँ मैं। है सिर्फ तीन ही सूट सिल के आई मैं, एक अस्तर का दो सिंपल। तो रात को गई मैं 9 बजे, रात को पेन ज्यादा हो गया था, रात को 9 बजे गई तो डॉक्टर ने बोला कि सुबह सुबह आके अपना ड्रिप चढ़वा लो। उन्होंने 2-3 टैबलेट दी थी, मैंने टैबलेट तो ले ही नहीं, बस पेन इतना हो रहा है बेहद, क्योंकि मैं टैबलेट तो कभी भी नहीं ले सकती, बस चढ़वानी हो तो ड्रिप पे चढ़वानी होगी। तो देखती हूँ थोड़ा आराम हो गया तो जल्दी से सूट नहीं करती, बात ये है। तो मैंने अब खाली पेट का कैप्सूल लिया, आराम हो गया तो मैं नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी भाई, मेरे बस की बात नहीं है। सारे काले हाथ हो गए, देख सब फोड़ रखे हैं मेरे हाथ। सभी का सीन कुछ ऐसे है, मैं पानी लेके आ चुकी हूँ और काम सारा हो चुका है, बस यहाँ का पहुँचा बच्चा है और यहाँ का भी थोड़ी देर में लगेगा क्योंकि अभी पहले बाहर सिर धोऊंगी फिर उसके बाद मैं अंदर जाके नहाऊंगी। आज मम्मी भी सिर धोएगी, आप भी सिर धोगे ना माँ? क्या आज तो वीरवार है भाई, वीरवार है आज तो। हाँ मैं धो लेती, कुछ नहीं होता। मैं तो पता है बहुत गंदे बाल हो रखे, मजबूरी है, कल भी नहीं धो पाए। ठीक है मैं तो लूंगी। तो गई सुबह की मैं रेडी बैठी, और हिम्मत नहीं हो रही मेरी शॉप पे जाने की, और अब 3 बजने को हो रहा है, तनु जा रही ट्यूशन, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी इससे तो पैरों से खड़ा नहीं आ जा रहा बिल्कुल भी, बहुत हालत खराब हो रही मेरी तो बहुत ज्यादा। अब तनु ना मुझे कॉफी बना के दे रही है बीपी की, इतनी सुबह से टेंशन ले रही, मम्मा ले चलूँ आपको, पर मैं नहीं मान रही बिल्कुल भी। और बच्चा कहाँ तो लेके जाए, कहाँ पे नहीं, मना ये डर हो जाता है कि इसको भी कभी गर्मी से जाए, कभी ये बीमार होगी तो दोनों बीमार हो जाएंगे। तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो इधर ही लेट रही हूँ, ये जाएगी अभी ट्यूशन 4 बजे। और खाना वाना तो मैंने इसको खिला दिया था, बस रोटी पका दी थी 2 धक्के से, अरे ये काम करी थी स्कूल का। और पैर ऐसे हो गए कि जवाब दे चुके मेरे, तो पैरों का नहीं समझ में आ रहा मेरे पैर में क्या दिक्कत हो रही है, और सिर भी बस बहुत बुरा हाल। पहली बार ऐसा है जो मैं इतने दिन खाट में पड़ी हूँ, देख लो ना 2 के तैयार हो गई थी, मैं कहा बेटा मेरी मत देखती हूँ, चलती हूँ नहीं, और करते साथ एकदम पी डाउन में, तो अब आँख खुली है मेरी। अरे अब तनु कॉफी दे देगी बना के पी के, तनु सुकून जा रही है ट्यूशन। और किसी ने सही कही है, टेंशन चीता से बुरी नहीं होती, टेंशन ऐसी गंदी बीमारी है जो है ना, ना तो मरता ना जीतता इंसान, अरे वही मेरे साथ हो रहा है बिल्कुल एकदम, काम करने के लायक नहीं बची मैं बिल्कुल भी। अरे ये टेंशन हो रही, कितने दिन हो गए 1.5 महीना का, मैंने सिलाई बजाई, कल मैं ठीक थी, देखो इधर तो पेन था मेरे को, पर ये पैरों में दिक्कत कल कम थी मेरे को, कल मैंने जाके 3 सूट निकाले हैं, आज फिर वही हालत है। तो देखती हूँ शाम को जाऊंगी तो दवाई लेने जाऊंगी। तो इतने दिनों के बाद आज मैं मम्मी से करा रही हूँ 2 चोटी, बहुत दिनों से मैंने करवाई नहीं थी, मेरा मन कर रहा था, तो आज मैं मम्मी से 2 चोटी कराऊंगी। और इधर मैंने मम्मी की कॉफी रेडी कर दी क्योंकि चाय मम्मी को पीनी नहीं थी, मुझे लग रहा है मम्मी का बीपी डाउन है, तो इसलिए मैंने कॉफी बना दी मम्मी के लिए। और अब थोड़ी देर में मेरे ख्याल से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो मम्मा, तो अब मेरे को भी ट्यूशन जाना जरूरी है। अब सोच रही हूँ वहाँ पे जाके क्या, तो सरोजिनी को भेज दूँ यहाँ पे, वो आ जाएंगे कम से कम, कोई हो तो पास में बैठने वाला। शाम को फिर मिट्ठू भी नहीं रुके, 2-3 तीनों को मैं ला नहीं सकती ना, दिक्कत ही हो जाएगी। मम्मी की तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब और मैं कह रही हूँ हॉस्पिटल चलो, लेकिन मम्मी बिल्कुल नहीं मान रही है। और है ना आप देखो कॉफ़ी रखे, कॉफ़ी भी नहीं पी रहे, पता नहीं इनके क्या हो गया। ये देखो बैठे हैं ना, तो दवाई ले रहे, इन्होंने दवाई भी नहीं ली, डॉक्टर ने बोला था हॉस्पिटल आ जाना अगर दवाई से आराम ना हो, तो रे जा भी नहीं रहे। माता चल पड़ो ना, कितनी लो दवाई कितनी, क्या पता नहीं किसकी नज़र लगी, पता है आप अच्छे खासे ठीक थे, एकदम से आपकी भी तबीयत ख़राब हो गई इतनी
है। मम्मी है ना किसी की बात नहीं सुनती है, मम्मी अपनी आगे अपनी चलाती है ग्लूकोज के लिए। मैं इतना बोल रही हूँ चलो चलो, बिल्कुल नहीं मान रही है। और एक बात और है, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो दवाई ज़्यादा है ना, एक बार तो 23 देनी पड़ती है, फिर उससे मम्मी की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो फ़ोन करके सर उस आंटी को बुलाती हूँ, वो आएंगे और फिर उसके बाद देखते क्या बताऊँ उनकी बात मान ले मेरी तो नहीं मान रही। जब उल्टियाँ बंद होंगी ना, जब जाके कहीं आराम होगा, मम्मी के वोमिट जैसा हो रहा है, मतलब जिसकी ना कुछ खा रहे ना पी रहे। सुबह धक्के से 2 रोटी खिलाई थी मैंने और अभी कॉफ़ी भी रखी है, पहले चाय बनाई थी फिर चाय भी नहीं पी, फेंक दी वो, और अब कॉफ़ी बनाई, अब कॉफ़ी भी नहीं पी रहे। कितने दिन होंगे काम करे? टेंशन नहीं है? टेंशन तो है बट कुछ कर सकते हो आप अब? डेढ़ महीना होगा काम करे। तो गाइस शाम के 7:30 बज चुके हैं, डमडम वहाँ भी बंद हो गया हर। मैं ब्लॉग ले रही थी सारे का, कुछ भी ब्लॉग नहीं लिया मैंने। और तनु ट्यूशन जी आते साथ है ना, सब्जी वगैरह लाने गई है, सब्जी नहीं थी घर में, कुछ भी नहीं थी, लस्सी वगैरह सब्जी लाने और पानी भरने के लिए गई। चाहे इतनी परेशान होगी मेरे बिना, क्योंकि सारे काम मैं निपटाती हूँ। और फिर वो ना सरोज के साथ भेजी मैंने, अकेली तो भेजी नहीं, अकेली तो मैं भेजती हूँ। और देखो वो आई, वो दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, ये देखो क्या हो गया, यो क्या हो गया, पकड़ ले, क्या हो गया, कुछ मिला ही नहीं, आलू तो होंगे ढूंढ में। राम चौक पे कोई रेडी ही नहीं थी। धन्य आपके पैर कांपे हैं, टूटे पड़े हैं, वाह क्या हो गया, रास्ता इतना अच्छा है यहाँ का, इसलिए तो पड़ गई। बंदा बाउंसिंग बाउंसिंग होता है, बाउंसिंग बेटा स्कूटी टूट गई है। भाई तो अन्ना कह रही आंटी जी, आज स्कूटी तो हमारी से टूट जाती है। आंटी कह रही स्कूटी स्कूटी है तो बंदा ही टूट ले। मेरे पेट में ये तो दर्द हो रहा है बेटा, इन्फेक्शन है ना मेरे भी, अभी आप दर्द रहने लगा, रहने लगे ना। तो सब्जी क्या बनावा भाई सरोज? पर तुम आए, तुम दादरी गेट से आ सकते थे ना तन्नू, सब्जी मंडी से ले आते। सब्जी मंडी में क्यों बेटा, इधर रही थी बुआ जी, और दादरी गेट पे हम गए थे, वो भी रेडी भी बंद थी। चुप रह तन्नू, मैं उधर से आई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। अरे मैं दवाई लेने गई थी रे, अरे मैं भी गई थी कसम से, बस अरे मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर मिला के पास कुत्ता है, वो अंकल थे ही नहीं जगह थे तेरे, तू आई थी जबी तो गई थी। फिर उसके बाद टाइम क्या हो रहा है? टाइम 7 बज रहे होगे, 7:30 है, 7:30 हो रहे को, 7:30 हो रहे हैं। निमिता हो नहीं, ये डमडा मां तो कलेश हो गया तन्नू, क्या कसूता होगा भाई, सारे दिन का व्लॉग नहीं लिया भाई, हां आ जाओ बंदर, रोटी नो लेट मत करो, जल्दी आ जाओ, भूख नहीं लगी सुबह का, कुछ नहीं खा रखा, ये पागल बनाने को लग रहे है, देख लो देख लो, यही किस तरह मिलगी सब्जी है, किसी का डक्के मार के लाए देख ले। मैंने तो सोचा भाई अब कहाँ जाऊँ मैं, स्कूटी अंदर करवा, मिठू मिठाई ले ले, बाहर फेंक दे थोड़ी सी मिठाई को, आ जाओ। तो भाई शाम के 9 बज चुके हैं, सब रोटी तो मैंने बनवा दी थी, और सब्जी पता नहीं शिमला मिर्च छोक लग रही है, क्या करेंगे क्या नहीं, दो घूसी पड़ी अंदर देख लो, तन्नू और उसकी आंटी दोनों ही सब्जी बना रही है, पता नहीं बन के तैयार होगी जब जा रहे हैं। खाना हमारा हो चुका है रेडी और बज चुके हैं रात के 10 बजे, हम खाना खा रहे हैं। तो ये देखो आज बनी है टेस्टी, तो शिमला मिर्च और साथ में मिर्च और शिमला मिर्च दोनों है, और ये लड़की बिल्कुल नखरे करके खा रही है, ऐसे शिमला मिर्च बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यही बात है आंटी जी? तो ये बिल्कुल ऐसे नखरे कर रही है, जैसे तो बताने क्या भूखी मरने दे इसको, भूखी रे बीज होंगे शिमला मिर्च की सब्जी बर्मा जब भी बनते, जब सारे बीज निकल जाए उसके अंदर के, शिमला मिर्च सिंपल खाते है ना, हाँ उसके अंदर आलू जैसी भी टेस्ट हो गया। रात के बज चुके हैं 11 और यहाँ पे बिल्कुल भी सोने का माहौल नहीं है, एक ऐसे सिर को पैसे पकड़ के बैठे हैं और एक आराम से ऐसे लेट रहे हैं पूरे बेड के ऊपर, और एक में साइड में बिल्कुल भाई साहब ऐसी बन के बैठी है, हद नहीं जिसकी कोई, मैं दिखाती हूँ ये देखो, कह रहे मेरा बच्चे ना, बताना किसके जैसी लग रही है, बताए आप क्या कह रहे थे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, क्या दीदी मत दिखाओ मुझे, मत दिखाओ, स्मार्ट लग रही है तो, दिल दिल दिल, ये देखो बाल कैसे हो रहे हैं, और ये देखो बताइए क्या होती है, मैंने बोली तन्नू के साथ तेरी शादी कर देंगे, बोला एक के ही करवा लेंगे, अब तो तन्नू जन शादी है, एक का ही होती बेटा, इसको पता नहीं ना बच्ची है ना,
तुम्हारी जोड़ी वो एक ही घर में कह रही थी माते दोनों एक जैसी हो तुम ठीक है ना। अरे शादी तुम्हारी करूँ भी नहीं गी बेटा मैं अकेली रह जाऊंगी। सरोज भी अकेली रह जाएगी मैं भी अकेली रह जाऊंगी। सरोज का भी एक के है नहीं तो सुनना घर पड़ा रहता है घूमते रहते है ऐसे ही। सुनना तो बस काम करते बेटा काम बनता नहीं कितने दिन हो गए शक्ल देख कैसी हो रही। और वो भी मेरे साथ लग रही होती। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज चुके सुबह के 8:30 कह रही हूँ 8:30। और अभी मम्मी ने लगाई हुई है मशीन और यहाँ पे मैंने अभी मेरे लिए और मम्मी के लिए बना लिया है क्या कहते हैं इसे मैंगो शेक बनाया है। चाय पीने का आज मन नहीं था और उनको वैसे चाय पीने भी कम है तो आज मैंने मैंगो शेक बना के दिया है। और कपड़े सारे धुल चुके हैं, बस ये कपड़े बचे और बाकी सारे सूख भी गए। इसके अंदर थोड़े से और इसके अंदर थोड़े से है, फिर सारा काम ख़त्म और पोछा अंदर होगा। सिर्फ बार बार का पोछा रहेगा। सारी जांच का छोटा सा ब्लॉग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी सपना मलिक 09 तन्वी मलिक 09 पर जल्दी से जाके फॉलो करें। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।